एंड वेलकम टू लिटिल कन्वर्सेशंस। तो आज है वर्ल्ड स्पैरो डे और इसको सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता कि हम इनकी कंजर्वेशन का सोचें और इनिशिएटिव लें। एक वक्त था जब ये सुबह से लेकर शाम तक अपनी चींची की आवाज़ से हमारे घरों में रौनक फैलाया करती थी, पर वक्त के साथ हमारी लाइफस्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रायोरिटीज़ ने हमें इनसे कब दूर कर दिया वो पता ही नहीं चला। और आज जब हमें इनकी याद आई है तो ये इंडेंजर्ड लिस्ट यानी कि तेज़ी से विलुप्त होने वाली कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। हालात तो ऐसे हैं कि मेट्रो सिटीज़ में ये 99% तक गायब हो चुकी हैं। इस बात को नज़दीक से समझना हो तो जो दिल्ली, बेंगलुरु जैसे जगहों पर रह रहे हैं, आप उनसे इन हाउस स्पैरोज के बारे में जानने की कोशिश करें, आपको सच्चाई का अंदाज़ा लग जाएगा। मेरे काफ़ी व्यूवर्स जो कि इन शहरों में रहते हैं, उनसे इस बात का पता चलता है कि वो इन नन्हे दोस्तों को पूरी तरह से खो चुके हैं। फिर भी कोशिश से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ वो तरीके जो मैंने आजमाए इनको वापस बुलाने के। सबसे पहले तो इनके मोस्ट बेसिक नीड की बात करें तो वो है खाना। हमारे स्टाइलिश घरों में इन्हें जगह नहीं मिली, जिससे इन्होंने हमारे घरों का रास्ता छोड़ दिया। इसी तरह से इन्हें खाना जो हम दिया करते थे उसकी कमी से काफ़ी स्पैरोज़ के बच्चे मरने लगे। तो इस गलती को सुधारते हुए सबसे पहले इनके लिए बर्ड फीडर्स लगाएं, जिनमें आप इनके लिए खाना रख सकें। बर्ड फीडर आप ख़रीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, जिसके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किए हुए हैं। आप उनमें से अपने नीड, बजट और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बेसिस में सेलेक्ट करके आसानी से बना सकते हैं और लगा सकते हैं। मेरे शेयर किए हुए बर्ड फीडर के ट्यूटोरियल्स काफ़ी सस्ते और ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट बने हुए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है आपके घर के आसपास की ग्रीनरी। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड ट्रीज़ लगाएं, क्योंकि इन ट्रीज़ के बीच में इन हाउस स्पैरोज़ को होमली फीलिंग आती है और ख़ुद को उस जगह से कनेक्टेड महसूस करते हैं, और इसी तरह इन स्पैरोज़ के आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जहाँ पे बर्ड फीडर लगाया है वहाँ पीस मेंटेन करें, ज़्यादा शोर शराबे में ये खुद को सेफ नहीं महसूस करती। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उन्होंने बर्ड फीडर लगाया पर उस पर पीजन्स ने अपना ठिकाना बना लिया। तो इस सीन में आप बर्ड फीडर के प्लेसमेंट का ध्यान रखें, उसको ऐसी जगह लगाएं जो थोड़ा शेड में हो, पूरी तरह से ओपन एरिया ना हो, ग्रीन एरिया हो और आपका भी एक्सेस हो वहाँ। फिर भी अगर पीजन्स आते हैं तो खाना दो तीन जगह पर रखें कि दोनों कैटेगरी के बर्ड्स अलग अलग जगह पर खाना खा सकें। जहाँ फीडर लगाया है वहाँ इस बात का ध्यान रखें कि प्रेडेटर्स यानी जो इन स्पैरोज़ को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कैट्स, डॉग्स, आउल्स, स्नेक्स वगैरह का इजी एक्सेस ना हो, वरना एक बार उनको स्पैरोज़ का रास्ता दिख जाता है तो वो बार बार वहाँ शिकार करने आते हैं और इस तरह से धीरे धीरे स्पैरोज़ वहाँ आना बंद कर देती हैं। फूड फीडर के साथ वाटर फीडर का भी अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सख्त गर्मियों में इन्हें जल्दी पानी नहीं मिल पाता। तो जहाँ इन्हें साफ़ सुथरा पानी मिलेगा वहाँ ये धीरे धीरे अपना रास्ता बना लेंगी। वाटर फीडर ना भी हो तो सिंपल से मिट्टी के बर्तन में भी आप रेगुलर पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। बर्ड्स को कलरफुल फ्लावर्स बहुत पसंद होते हैं और उनसे ये अट्रैक्ट होती हैं, तो अपने आसपास कलरफुल फ्लावर्स भी लगाएं जो आपके घर की खूबसूरती तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ इन नन्हे गेस्ट को भी इनविटेशन मिलेगा आपके घर आने का। काफ़ी लोग बर्ड फीडर लगा तो लेते हैं पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते, जिससे जो बर्ड्स आती भी होंगी वो चली जाती हैं। इसलिए डेली रूटीन बनाएं उनके फीडर में खाना पानी टाइम से देने का, कि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ उन्हें हमेशा खाना मिलने वाला है। बर्ड फीडर में अलग अलग तरह का खाना रखें, जिससे सिर्फ स्पैरोज ही नहीं बल्कि उनकी और लोकल फ्रेंड्स भी आ सकें। उसके लिए आप बाजरा, कच्चा चावल, पोहा यानी फ्लैटन राइस, मुरमुरे यानी पफ राइस और उसके अलावा फ्रूट्स एंड बेरीज भी रख सकते हैं।
हाउस स्पैरोज को पानी से खेलना बहुत पसंद होता है, तो किसी थोड़ा बड़े बर्तन में इनके लिए साफ पानी का इंतज़ाम करें, जिससे इन्हें आपके घर आने का एक और कूल रीज़न मिल जाए। बर्ड फीडर आपने लगा दिया, खाना भी रखना शुरू कर दिया, पर कोई बर्ड नहीं आई, तो इसके लिए निराश मत होइए। बर्ड फीडर की जगह बदल के देखिए, हो सकता है कि आपके घर का कोई और कोना उनको ज़्यादा पसंद आ जाए। उनको अपने घर में नेस्टिंग के भी ऑप्शंस दें। आपके घर के थोड़े खाली एरिया में कुछ वुडन बॉक्सेस या कार्टन्स रख सकते हैं, साथ में जूट रस्सी, थ्रेड, सूखी घास, ऊन टाइप की चीज़ें भी आसपास रख दें, जिससे वो आपके घर में घोंसला बना सकें। तो ये थे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिससे आप इन स्पैरोज को वापस बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, क्योंकि आपकी कोशिश से ही हम इन्हें वापस बुला सकते हैं और अपना बचपन जो इन चिड़ियों के बीच में गुजरा उसको वापस ला सकते हैं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और स्पैरोज को वापस बुलाने की मुहिम को और तेज़ करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।